इस वीडियो में हम एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। तो इट ट्रीट्स इच कैरेक्टर इन अ बिट स्ट्रीम इंडिपेंडेंटली, तो यह प्रत्येक कैरेक्टर को इंडिपेंडेंट रूप से ट्रीट बिट स्ट्रीम में करता है। दीज प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन मॉडम, इन प्रोटोकॉल का उपयोग मॉडम में किया जाता है। दे आर स्लोअर देन, दे यूज स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड वेरिएबल गैप्स बिटवीन कैरेक्टर्स, तो वे कैरेक्टर के बीच स्टार्ट और स्टॉप बीट एंड वेरियस अंतराल मतलब विभिन्न गैप्स का उपयोग करते हैं। दे आर स्लोअर देन सिंक्रोनस प्रोटोकॉल इन ट्रांसमिशन डाटा, वे डाटा ट्रांसमिट करने में सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के तुलना में अपेक्षा में स्लो होते हैं। एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल आर नॉट कॉम्प्लेक्स एंड इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, तो एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल लागू इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स एंड इंस्पेक्सिव जटिल और सस्ता नहीं है। ड्यू टू इट्स स्लोनेस इट इज रिप्लेस्ड बाय हायर स्पीड सिंक्रोनस प्रोटोकॉल, इसकी धीमी गति के कारण इसे हाई स्पीड वाले सिंक्रोनस प्रोटोकॉल द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। A variety of asynchronous protocols have developed, only a few of them are as follow: Xmodem, Ymodem, Zmodem, BLAST, Kermit, etc. तो asynchronous protocol की एक variety develop हुई है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि Xmodem, Ymodem, Zmodem, BLAST, Kermit इत्यादि सब इसमें शामिल है। तो अब जानेंगे कि Xmodem क्या है। तो Xmodem is a popular file transfer protocol developed by वार्ड क्रिस्टेंसन द्वारा इन 1977। तो Xmodem 1977 में वार्ड क्रिस्टेंसन द्वारा डेवलप एक पॉपुलर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। Xmodem was simple to implement but it lacked efficiency. Xmodem को लागू करना आसान था परंतु इसने efficiency दक्षता को lock कर दिया। It works by sending data in 128 byte blocks from PC to PC. यह PC to PC में 128 byte blocks में data भेजकर काम करता है। Xmodem is an error correcting protocol for modem. Xmodem के लिए एक error correcting protocol है, या Xmodem जो है वो modem के लिए एक error correcting protocol है। If a block is received successfully, a positive ACK acknowledgement is returned. If an error is detected, a negative NAK acknowledgement is returned and the block is reset. तो यदि कोई ब्लॉक सक्सेसफुली रिसीव होता है तो एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिटर्न होती है ACK। यदि किसी एरर को पता चलता है डिटेक्ट होता है तो एक निगेटिव NAK acknowledgement रिटर्न कर दी जाती है और ब्लॉक रिसेट नाराज हो जाता है, रिसेंट हो जाता है। Xmodem uses the checksum method for error checking. Xmodem error check करने के लिए checksum method का उपयोग करता है, यूज करता है। Xmodem was replaced by Ymodem and then Zmodem. Xmodem को Ymodem में रिप्लेस बदल दिया गया और फिर Zmodem में बदल दिया गया। अब इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो Xmodem breaks up the original data into a series of packets which are sent to the receiver. It also contains additional information which allows the receiver to determine whether that packets was correctly received or not. तो Xmodem original data को packet की एक series में विभाजित breaks करता है जो receiver को सेंड किया जाता है। इसमें एडिशनल अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन भी होती है जो रिसीवर को यह
माइंड करने की परमिशन अनुमति देती है कि वह पैकेट सही तरीके से करेक्टली प्राप्त हुआ था अथवा नहीं, करेक्टली रिसीव्ड और नॉट। अब जानते हैं वाई मॉडम के बारे में। तो वाई मॉडम इज एन एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल, वाई मॉडम एक एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल है। वाई मॉडम सेंस डाटा इन 1024 bytes blocks allows for multiple file transmission at once. तो वाई मॉडम 10 से 24 byte ब्लॉक में डाटा सेंड करता है, एक साथ मल्टीपल फाइल ट्रांसमिशन की अनुमति भी देता है। वाई मॉडम इज एन एरर करेक्टिंग प्रोटोकॉल फॉर अ मॉडम दैट यूजेज लार्ज डाटा ब्लॉक्स फॉर ग्रेटर इफिशियंसी। तो वाई मॉडम एक मॉडम के लिए एक एरर करेक्टिंग प्रोटोकॉल है जो ग्रेट इफिशियंसी, अधिक क्षमता वाले, अधिक दक्षता वाले के लिए बड़े डाटा ब्लॉक का यूज करता है। वाई मॉडम यूजेज साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग एज द मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन। तो वाई मॉडम एरर डिटेक्शन में मेथड के रूप में साइक्लिक रिडंडेंसी या साइक्लिक जांच का उपयोग करता है, चेकिंग करता है। अब पढ़ेंगे जेड मॉडम के बारे में। तो जेड मॉडम इज एन एरर करेक्टिंग प्रोटोकॉल फॉर मॉडम। तो जेड मॉडम भी जो है मॉडम के लिए एक एरर करेक्टिंग प्रोटोकॉल है। मॉडम्स दैट एग्री ऑन यूजिंग द जेड मॉडम प्रोटोकॉल सेंड डाटा इन 512 bytes ब्लॉक। मॉडम जो जेड मॉडम प्रोटोकॉल यूज करने पर एग्री होते हैं, सहमति देते हैं, वो 512 byte ब्लॉक में डाटा सेंड करते हैं। डेवलप बाय चक फोर्सगर्ड, जेड मॉडम इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डैट यूजेस CRC साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक्स टू डिटेक्ट एरर एंड इज डिजाइन टू ट्रांसफर लार्ज फाइल। चेक फोर्सगर्ड द्वारा डेवलप जेड मॉडम एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो एरर डिटेक्शन के लिए CRC साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक्स का उपयोग करता है और लार्ज फाइल को ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इट इज अ न्यूअर प्रोटोकॉल कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ बोथ एक्स मॉडम एंड वाई मॉडम। यह एक्स मॉडम और वाई मॉडम दोनों की विशेषताओं को मिलाकर एक नया प्रोटोकॉल है। अब पढ़ेंगे ब्लास्ट के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है ब्लॉक्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इट इज़ अ मोर पावरफुल देन एक्स मॉडम। यह एक्स मॉडम से अधिक पावरफुल, शक्तिशाली होता है। इट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड बाइनरी फाइल्स। यह डाटा और बाइनरी फाइल्स के ट्रांसफर की अनुमति देता है, अलाउ करता है। इट इज़ अ फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल। यह एक फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है। इट यूजेस स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल। यह स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल का यूज करता है, उपयोग करता है। और अब एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल के ही अंदर कर्मिट आता है। तो इट इज़ अ कंप्यूटर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कर्मिट जो होता है एक कंप्यूटर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, होता है। इट इज़ अ सिमिलर इन ऑपरेशन टू एक्स मॉडम एक्सेप्ट दैट सेंडर हैज़ टू वेट फॉर अ निगेटिव एक्नॉलेजमेंट नेक बिफोर इट स्टार्ट ट्रांसमिशन। यह एक्स मॉडम के ऑपरेशन के सिमिलर है। उम्मीद है कि सेंडर को ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAK नेक की प्रतीक्षा करनी होगी, वेट करनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके फिर से पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ID मैंने दे रखा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।